Assalamu alaikum viewers, this is Umair Khan in front of you. Welcome to another interesting and fascinating grammar lesson today for you people. You will of course enjoy this lesson. The topic is conditional sentences. Conditional sentences are used by the native speakers a lot. It means that conditionals are very common. If you enjoy this lesson in particular, make sure that you subscribe to the channel, and if you like this lesson, give it a like and share it with your friends as well. Hope that you will learn a lot from the lesson today, and the lessons coming after this one, because this is the introduction of conditional sentences. We have got four other lectures after this one, so don't miss this one. Watch this one completely and the upcoming four lectures related to conditional also, so that you can learn conditional sentences completely and clearly, and you can utilize them in your speaking as well. Now, conditional sentences. सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की, कंडीशनल सेंटेंसेस इस्तेमाल कब होते हैं. कंडीशनल्स आर यूज्ड व्हेन एनी जॉब और अ पीस ऑफ वर्क इज रिलेटेड टू एनी कंडीशन. कंडीशनल सेंटेंसेस तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब भी कोई काम किसी कंडीशन से जुड़ा हुआ हो. कंडीशन का मतलब है शर्त. वर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस के मायने हैं शर्तिया जुमले. शर्तिया जुमले क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्ड कंडीशन, कंडीशन मीन्स होता है शर्त. जब कंडीशन के मायने हैं शर्त, तो कंडीशनल सेंटेंसेस के मायने हुए शर्तिया जुमले, यानी कोई ना कोई शर्त लाजमी मौजूद होगा इस तरह के जुमलों में. शर्त लाजमी होगा कोई ना कोई कंडीशनल सेंटेंसेस में. और शर्त हम किन वर्ड्स की मदद से जाहिर करेंगे? दो वर्ड्स होंगे जिनकी मदद से हम कंडीशन को जाहिर करेंगे, इफ एंड व्हेन. हम तमाम कंडीशनल सेंटेंसेस में या तो इफ का इस्तेमाल करेंगे या व्हेन का इस्तेमाल करेंगे. वन ऑफ देम मस्ट बी प्रेजेंट इन द सेंटेंस, देन योर सेंटेंस कैन बी कॉल्ड conditional sentence, otherwise not. So these are the two words. Now, and a little more about the conditional sentences. Conditional sentences must contain two clauses. There must be two clauses. Har conditional jumla do clause par mushtamil hoga. Usme do chote chote jumle jude hue honge, aur इसमें एक वर्ड इफ या व्हेन का इस्तेमाल हुआ होगा, तो तब वो कंडीशनल सेंटेंस कहलाएगा. देयर आर फोर डिफरेंट कंडीशनल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. अंग्रेजी जुबान में चार मुख्तलिफ तरह के कंडीशनल्स यूज किए जाते हैं. वो कौन कौन से हैं? और ऑफ कोर्स दे आर इजी, नॉट वेरी मच डिफिकल्ट इफ यू पे अटेंशन ए लिटिल. सबसे पहला जीरो कंडीशनल कहलाता है. जीरो कंडीशनल को हम फैक्चुअल और रियल कंडीशनल भी कहते हैं. यानी जब भी हम हकायक पर बात करेंगे, जब भी हम हकीकत से मुतालिक कोई बात करेंगे, तो हम ज़ीरो कंडीशनल का इस्तेमाल करेंगे. जैसे मिसाल के तौर पर हम अगर सेंटेंस लेते हैं, व्हेन द सन राइजेस इट लाइटन्स द एनवायरनमेंट. जब सूरज तुलू होता है तो फिज़ा रोशन हो जाती है. ये हकीकत है, रियलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है. व्हेन वी पुट वाटर ऑन द स्टोव इट बॉयल्स एट 100 डिग्रीज सेंटीग्रेड. जब हम पानी चूल्हे पर रखते हैं तो ये 100 दर्जा हरारत पर उबल जाता है. तो ये रियल सिचुएशन है, हकीकत है. तो इस तरह से तमाम वो जुमले जिनमें रियलिटी मौजूद है, जिसमें फैक्ट हो, वो ज़ीरो कंडीशनल में आएंगे. फर्स्ट कंडीशनल, द पॉसिबल कंडीशनल और
likely to happen, something likely to happen, जो कि हो सकता है कि वो चीज़ हो जाए, यहाँ पर 100% श्योरिटी नहीं होगी, वो चीज़ हो भी सकती है, वो चीज़ नहीं भी हो सकती है, उसके चांसेस 100 से कम होंगे, ज़ीरो कंडीशनल 100% चांसेस हैं, एंड दी फर्स्ट कंडीशनल लेस देन 100% चांसेस। यानी इसमें हम ये जुमला ले सकते हैं, मिसाल के तौर पर, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। ज़रूरी नहीं कि वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा, हो सकता है कि वो मेहनत करे और तब भी कामयाबी ना मिले, दैट्स वाई नॉट 100%। अगर मैं वज़ीर आज़म से मिलूँगा तो मैं उससे अपने मसाइल बयान करूँगा, अगर मैं मिलूँगा, लेकिन पॉसिबल है कि मैं ना मिलूँ, या अगर मैं मिलूँ तो मसाइल ना बयान कर सकूँ, एंड दिस इज़ रियल ऑफ कोर्स नॉट ईजी टू मीट विद द प्राइम मिनिस्टर, तो कम चांसेस है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, मे बी। देन वी हैव गॉट सेकेंड कंडीशनल, अनरियल सिचुएशंस। सेकेंड कंडीशनल is a little difficult, it may be a little tricky for you people, but if you pay attention you can get it easily. Unreal situation, for example, main aapko ek misal yahan dunga, detail mein hum aainda lectures mein baat karenge. Unreal situation se murad ye hai, misal ke taur par, agar mere par hote to main udta, jo ki real nahi hai, possible nahi hai. Agar Mount Everest sone ka ho jaye तो पाकिस्तान सुपर पावर बन जाए, अनरियल सिचुएशन। हम सिर्फ ख्याली पुलाव बना सकते हैं, ख्याली घोड़े दौड़ा सकते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी बातें हम अगर करेंगे तो वो सेकंड कंडीशनल में आएंगी। एंड देन वी हैव गॉट द लास्ट वन, थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल इज नोन एज इमेजिनरी imaginary past or hypothesis, imaginary hypothesis or imaginary past, यानी माजी के बारे में। अब ये real है लेकिन माजी की बात हो रही है, जो कुछ हो चुका है अब उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सिर्फ हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर मुझे पता होता कि अंग्रेज़ी इतनी अहम है तो मैं बचपन में ही अंग्रेज़ी सीख लेता। यानी बचपन का वक्त गुज़र गया है, अब बचपन में वापस जाना मुमकिन नहीं है, लेकिन हम एक यहाँ पर फ़र्ज़ कर रहे हैं, ख़याली मफरूज़ा ज़ाहिर कर रहे हैं कि अगर बचपन में मुझे पता होता तो मैं बचपन में ही अंग्रेज़ी सीख लेता और आज मैं अच्छी अंग्रेज़ी बोल रहा होता। तो ऐसे तमाम जुमले थर्ड कंडीशनल में आ जाते हैं। या ये कह दें कि अगर कुछ दोस्तों ने पिकनिक का प्रोग्राम मनाया और वो पिकनिक के लिए चले गए, लेकिन आपको नहीं पता था वो पिकनिक मनाकर आ गए, अब आप उनसे कहते हैं कि यार अगर मुझे पता होता तो मैं भी आप लोगों के साथ पिकनिक पे चला जाता। तो ये क्या है कि गुज़रा हुआ है वक्त, यानी ये गुज़रे हुए वक्त की बात हो रही है, जो काम हो चुका है अब सिर्फ हम उसकी बात कर रहे हैं, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। सो these are all the different types of conditional sentences. Hope that you must have understood all the things about the introduction of conditional sentences. Umeed hai aapko bahut maza aaya hoga in conditional sentences ke bare mein jankar. Ye just introduction tha, tafseeli hum baat karenge one by one, hum ek ek conditional ko alag alag lecture mein discuss karenge. To aapne किसी भी लेक्चर को मिस नहीं करना है, और अब तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चुके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ज़ीरो कंडीशनल की डिटेल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।